ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुं निलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरु दीनतारिणं श्री परमानंद माधवं श्री चैतन्यमीश्वरं। हरे कृष्णा। असाइनमेंट 3 डिस्कशन चालू करते हैं, उसके बाद बीच बीच में पता चलेगा क्या करना है। तो पहला जो असाइनमेंट, पहला जो प्रश्न उत्तर का श्रेणी था असाइनमेंट 3 में, आप सबने, कितने लोगों ने सबने किया है ये? ओह गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गुड गुड, बहुत अच्छा। तो बहुत सारे भारत में, स्पेशली भारत में बहुत सारे अलग अलग आध्यात्मिकता के नाम पे अलग अलग, ये हाथ को हटाओ, अलग अलग भ्रांत धारणाएं उठ चुकी है, उसको हमको समझना चाहिए। क्योंकि हम जब प्रचार करते हैं या फिर कहीं पे भी जाते हैं तो यही सब भ्रांत धारणाएं हम सबको लोग बोलेंगे, और आपको समझना चाहिए कि कैसे ये भ्रांत धारणा है और इसको कैसे लोगों को समझाया जाए सही तरीके से। ओके, तो पहला जो भ्रांत धारणा है कि भगवान गुरु है, सॉरी भगवान तो गुरु है ही, गुरु भगवान है और माता पिता भगवान है। तो इसमें समस्या क्या है, इस चिंताधारा में समस्या क्या है कि गुरु भगवान है या फिर माता पिता भगवान है, ऐसे बोलते हैं ना हम, जैसे हमारे लिए तो आप ही भगवान है। जैसे हम जब फोन लगा रहे थे, अलग अलग लोगों से बात कर रहे थे कि लक्ष्मी के लिए वो कुछ के लिए, तो हमारे लिए तो आप ही भगवान है। मैं बोला अगर भगवान है तो कुछ सेवा कर दो हमारे लिए तो आप ही भगवान है, गुरु ही भगवान है। लोग ऐसे बोलने के लिए बोल देते हैं, उनको पता भी नहीं भगवान क्या होता है। ये मलमूत्र वाला शरीर को भगवान बना देते हैं। तो गुरु भगवान है, बताइए, अरे कुछ तो बताइए। हाँ यस, बिहारी गोविंद ध्रुव भगवान ने, पहले आपको बोलना है, देखिए कहाँ से वो इसका रेफरेंस बोलते हैं, वो कुछ तो होगा इसीलिए बोलते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु, ओके, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये सबसे गड़बड़ वाला श्लोक है, पता नहीं कौन लिखा है इसको, कहाँ से, गुरु साक्षात परम ब्रह्म है, बाप रे कैसे बोल सकता है कोई गुरु साक्षात परम ब्रह्म। जैसे टीचर्स डे में मेरे को हर समय ये श्लोक लोग व्हाट्सएप करते हैं, एक जन किया था लास्ट ईयर, तो मैं ऐसे उसको रिप्लाई किया, तो उसके बाद इस साल तो कोई भी टीचर्स डे में एक भी आया नहीं मेरे को। तो गुरु साक्षात परम ब्रह्म, पागल है क्या, परम ब्रह्म समझते हैं, ब्रह्मा है हम, और परम ब्रह्म मतलब भगवान, तो ऐसे बोलते हैं। और क्या क्या लोग बोलते हैं कि गुरु भगवान है करके, हाँ बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है, भगवान है तो हमारा एक लोग है ना,
कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। इंटरनेट थोड़ा गड़बड़ है आपका, इंटरनेट वाईफाई कनेक्ट कीजिए। जस्ट 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 मिनट, जस्ट वन मिनट, एक जन से सुन ले फिर आपसे सुनेंगे। हाँ बताइए। हरि बोल। कट जा रहा है आवाज आपका। प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ यस प्रभु जी, वो जो हुआ जो कहानी है, जब क्या सर्ग क्या धर्म क्या ही परम तप मापन जन से सर्व देवता शक्ति माता पिता तो भगवान का ही किसी किसी है ना, तो दे आर द और इनिशियल गुरु गाइडेटर गाइड अस हाउ टू हाँ तो वही है। तो इस तरह वो बोलते हैं कि हमारे माता पिता हमारे प्रथम गुरु हैं, वो हैं। ओके ठीक है, और कोई, और कोई? यस सैलजा माता जी। हाँ कुशल बिहारी प्रभु। रुक रुक रुको, एक 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 करके। ओके सैलजा माता जी, देन सुखेंदु सुखेश्वर प्रभु, देन कुशल बिहारी प्रभु, एक एक। हाँ धन्यवाद। गुरु गोविंद आओ खड़े काकी लागे पाओ। हाँ। हरे गुरु आपने जिन गोविंद देव बताओ। हाँ तो गुरु और गोविंद अगर एक साथ मिले हैं, बट इस श्लोक में तो बताया नहीं कि गुरु भगवान है, ये तो सही बोलता है। जैसे हम मंदिर में आते हैं, शिल प्रभुपाद को पहले दंडवत करते हैं, फिर भगवान को दंडवत करते हैं, तो सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। पर गुरु भगवान है। यस कुशल बिहारी प्रभु। ओके ठीक है। ये लोग बोलते हैं पर लोग समझते नहीं इस श्लोक का अर्थ क्या है और गुरु को भगवान बना देते हैं। ओके सुखेश्वर प्रभु लास्ट। जनानी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि घरी असी, ये ओडिशा में बहुत फेमस है। जननी जन्म भूमि, जननी मतलब माता, और जन्म भूमि जो आप जहाँ पे जन्म हुए हैं, स्वर्ग दपी गरी ऐसी ऐसे भी बोलते हैं। तो इस तरह लोग अलग। ये संसुमान प्रभु को कुछ तो बोलना है। हाँ ये परफेक्ट, दिस इज आई हैड फॉरगॉटन दिस स्टोरी। हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस स्टोरी? लोग इसको कितना बोलेंगे, कितना बोलेंगे। कार्तिक को मिला था कि दुनिया को ब्रह्मांड को घूमने के लिए, और गणेश जी को मिला था, कंपटीशन होने वाला था। गणेश जी का तो चूहा वाहन है, वो क्या किए, लॉर्ड शिवा और पार्वती को घूम गए माता पिता को। एंड देन जब माता पिता के चारों ओर घूम गए तो इट इज इक्विवेलेंट टू रोमिंग अराउंड एंटायर यूनिवर्स, बिकॉज सब कुछ माता पिता के शरीर में है। करेक्ट, आपने सुना है बचपन में ये है? या ओनली थिंग इज दैट माता पिता शुड बी लाइक लॉर्ड शिवा एंड पार्वती, दैट इज द ओनली प्रॉब्लम, अदरवाइज देयर इज नो प्रॉब्लम। इस स्टोरी में बस एक ही प्रॉब्लम है, क्या है कि हम सोचते हैं कि हम शिव पार्वती बन गए हैं। तो यहाँ पे हमको समझना चाहिए कि सही जो मूल सिद्धांत है क्या है, कि ना गुरु भगवान है ना माता पिता भगवान है, माता पिता और गुरु क्या है, क्या है? ओके रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव एंड फैसिलिटेटर। समझ में आ रहा है? रिप्रेजेंटेटिव है, फैसिलिटेटर है। ओके और जब तक वो हमको भगवान के रास्ते पे फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनको हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। जब करना बंद कर दें उनको रिजेक्ट करना चाहिए। कोई एग्जाम्पल दे सकता है? ओके बलि महाराज, वेरी फेमस एग्जाम्पल। और कोई, और कुछ? ओके ठीक है, दैट इज श्लोक का, बट एग्जाम्पल कैसे? प्रहलाद महाराज
या प्रहलाद महाराज डिंट एक्सेप्ट हिज फादर। हाँ चित्रकेतु क्या हो गया? वो माता पिता को अस्वीकार किया ना? नहीं कहाँ कर दिया? भरत महाराज ने प्रभु जी को अपनी माँ को जो त्याग दिया। भरत महाराज माँ को त्याग कर दिए? कौन कब? भरत इज राइट एग्जांपल। या भरत चित्रकेतु महाराज के पुत्र। हाँ चित्रकेतु महाराज के पुत्र जो उनको टॉप ऑफ रिचार्ज दिया नारद मुनि ने, वो उन्होंने माता पिता को रिजेक्ट कर दिया। करेक्ट, चित्रकेतु सन इज राइट एग्जांपल। या सो तो इससे हम प्रैक्टिकल वो क्या निकाल सकते हैं, निष्कर्ष हमारे जीवन में? या सो अगर गुरु या माता पिता हमको, गुरु और माता पिता जनरली माता पिता क्या चाहते हैं, मेरा बेटा इधर बनेगा उधर बनेगा, ये करेगा वो करेगा, और जैसे ही कोई इस्कॉन वाले भगवद गीता पढ़ाने लग जाते हैं, बेटा क्या कर रहा है तुम, ये भी कोई समय है, ऐसे बोलने लग जाएंगे। करेक्ट, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, और माता पिता का भरण पोषण करना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, पर भक्ति करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर माता पिता भक्ति के लिए मना करते हैं तो भक्ति करना ही चाहिए, अच्छे से करना चाहिए, और उनका ख्याल भी रखना चाहिए, और भक्ति में बाधा नहीं आना चाहिए, तो ये महत्वपूर्ण है। यस हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलो प्रभु जी। सपोज यू आर सेइंग पेरेंट्स हु इज पर्सुइंग देयर चाइल्ड to learn the spiritual knowledge, they are the guru, but some parents pursuing the spiritual knowledge for their child, not ISKCON, another organization like Satya Sai organization, like Gayatri, they are also pursuing spiritual organization. So there can be so many organizations, spiritual organization is not a problem, but what is the philosophy of that spiritual organization, we need to see. Sometimes many spiritual organization may speak many, many different, different things which may not be according to scriptures. Okay. So that has to be seen. It's not that we have, everyone has to follow ISKCON only. Everyone has to follow Bhagavad Gita properly. Everyone has to follow Srimad Bhagavatam properly. Everyone has to follow the Vedas properly. So if the spiritual organization itself has misinterpreted the scriptures and telling so many things, so many ways, then it is improper. Then the parents should first themselves find out which is the right spiritual organization. Just like, will the parents enroll their kids in any school? They will search the right school, na, which is affiliated properly. So similarly, the parents also should ensure that their kids are joining the right school, right? So right methodology of learning and right school of thought. So that is the thing. Okay. So it's not that any spiritual organization you get connected, you will become spiritual. They may be calling themselves a spiritual organization, but they may not be. Okay. Yes. And the second one is very, very important. Many people will say, Manav Seva hi Madhav Seva hai. Kitne logon ne ye suna hai? Manav Seva karo. Haan? मानव सेवा करो, माधव सेवा हो जाएगा, और कुछ जरूरत नहीं है। यस, वो कहाँ से बोल रहे हैं? प्रभु जी रामकृष्ण देव बोला ना, जीव प्रेम करे जय जन से जन से। ओके ओके, अजय प्रभु बोले, रामकृष्ण जी बोले, और कौन और कहाँ से बोलते हैं? प्रभु जी नर सेवा नारायण सेवा। ओके नर सेवा नारायण सेवा वही है, कहाँ से बोले? शास्त्रिक शास्त्रिक कहाँ से है, और क्या बोलते हैं? जीव सेवा और क्या सेवा? शिव सेवा। ओके जीव सेवा शिव सेवा, और कहाँ से बोलते हैं? दरिद्र नारायण प्रभु। ओके दरिद्र नारायण बोलते हैं। ओके और क्या? सो मानव सेवा में प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम,
माधव सेवा में प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट? कहां पे समस्या है कौन बताएगा? मानव को माधव समझ लेना, मानव को माधव समझ लेना, यही समस्या है। तो जैसे इस्कॉन में बहुत सारे लोग आएंगे, जैसे मेरे को याद है एक व्यक्ति मेरे को मिला कि स्वामी जी बहुत पैसा हम आप अभिषेक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, जन्माष्टमी कर रहे हैं, इतना सारा पैसा जो आप भगवान को मंदिरों को दे रहे हैं, मंदिर तो नहीं बोला, वो बोला मूर्ति, मूर्ति है जो स्टैचू है, स्टैचू को इतना आप खाना खिला रहे हैं, ये कर रहे हैं, इतने सारे प्रकार का अभिषेक कर रहे हैं स्टैचू को, तो क्यों ना ये सब पैसा हम गरीबों को बांट दें, है कि नहीं? गरीब लोग भूखे हैं, उनको बांटना चाहिए। तो आप सब क्या बोलेंगे इस तरह के व्यक्ति को? तो हम स्टैचूओं को खाना खिलाते हैं और स्टैचू को अभिषेक करवाते हैं और गरीबों को क्यों बांट नहीं सकते हैं? हैं? प्रभु जी मांगने तो स्टैचू से ही जाते हैं सब कुछ। हाँ, वो मांगने स्टैचू को जाते हैं। अल्टीमेटली तिरुपति बालाजी आते हैं मांगने के लिए। ओके, स्टैचू अगर है तो मांगने क्यों जाते हैं? ओके, जब समस्या आया तो स्टैचू के पास ही आ जाते हैं। तब स्टैचू नहीं होता है तिरुपति बालाजी। ओके, और कोई क्या बताएंगे इस तरह के लोगों को आप सब? प्रभु जी वही डू द मानव सेवा, कीपिंग गॉड एट द सेंटर, इट इज द मानव सेवा, बिकॉज़ इफ यू डू समथिंग सोशल एक्टिविटी समथिंग, इफ आई थिंक दैट दिस इज फॉर माय ओनली फॉर माय गुड नेम्स ओनली, देन इट इज नॉट मानव सेवा, बट इफ आई डू सम सोशल एक्टिविटी बिकॉज़ वी आर सोशल एनिमल, सो वी हैव टू डू सम सोशल एक्टिविटी, सो तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं अजय प्रभु कि मानव सेवा कीजिए, माधव को केंद्र में रख के कीजिए। पर मैं क्यों माधव को केंद्र में रखूंगा, ये और एक प्रश्न उठ सकता है, ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे। ये शुभ कृष्ण जो पर्सन लग रहा है, हाँ, तो उसको एक्सप्लेन करेंगे कि जैसे जैसे सेवा का भाव इंसान का बढ़ता है, वो दे वांट अ पर्सनल फॉर्म, एंड दिस इज हाउ शास्त्र ने दिया हुआ है। इन केस ही इज एनवियस, देन वी विल एक्सप्लेन कि व्हाई यू डोंट क्वेश्चन व्हेन वी ओपन बिग बी एंटरटेनमेंट क्लब और। तो शुभ कृष्ण बोल रहे हैं कि जब हम मूर्तियों को अभिषेक करते हैं, आपको समस्या है, तो पहले आप जितनी सारी मदिराएं पान है, जितना सारा गलत अश्लील कार्य है, उसको पहले बंद कीजिए, तो हम मूर्ति को। बहुत ही अच्छा पॉइंट बता रहे हैं शुभ कृष्ण प्रभु कि आप पहले स्मोकिंग इंडस्ट्री बंद कीजिए, टोबैको इंडस्ट्री बंद कीजिए, आप पहले अल्कोहल इंडस्ट्री बंद कीजिए, आप पहले स्लॉटर इंडस्ट्री बंद कीजिए, वो सब बंद कर दीजिए, हम इसको भी बंद कर देंगे। कर पाएंगे वो? नहीं कर पाएंगे। तो अगर मदिरा, एक्चुअली मदिरा तो आपको केवल दुख ही देता है, शरीर को दुख देता है, कितना क्राइम होता है, उसको ही आप बंद नहीं कर पा रहे हैं, पर भगवान का तो, अरे तुम इतना अल्कोहल पी जा रहा है, हाँ, उसको निकाल देगा तो कितना भूखा वो हो जाएगा, करेक्ट? हाँ, दारू से किसका भूख मिटता है? वो आदमी का भी भूख मिटता है क्या दारू से? बताइए, जो दारू पीता है क्या खाली दारू पीता है क्या? हाँ, वो शराब पीता है, अल्कोहल पीता है, तो उसको खाना भी खाना पड़ता है। रादर अल्कोहल खाएंगे तो ज्यादा खा लेता है वो, एंड फिर उल्टी कर लेता है। आपने देखा है कभी पियक्कड़ को? पता नहीं आप सबको एक्सपीरियंस है कि नहीं, वो जो दारू पिएगा वो बहुत खा लेगा, क्योंकि वो तो नशा चढ़ गया, वो गया वो, और 10 आदमी का खा लेगा, फिर 9 आदमी का उल्टी कर लेगा, फिर 1 आदमी का रुक जाएगा। तो वो क्या मानव सेवा कर रहा है? तो ये एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। और एक कुशल बिहारी प्रभु के पास कुछ तो पॉइंट है। प्रभु जी, एक छोटे से स्टेट का अगर मुख्यमंत्री होता है तो उसके स्वागत सत्कार के लिए इतना पैसा किया जाता है, तो जो पूरे
संसार का पूरी सृष्टि का मुख्य अध्यक्ष है, चलाने वाला है, उसका निर्माण करने वाला है, उसके लिए हम जो पैसा खर्च करते हैं उसके लिए जो या तो और एक पॉइंट बता रहे हैं कि इतने सारे सिक्योरिटी में हम पैसा खर्च करें। पहले तो सुकृष्ण प्रभु बताया कि अल्कोहल में पैसा खर्चा कर रहे हैं, सिक्योरिटी में कुशल बिहार प्रभु पैसा खर्चा कर रहे हैं, तो उसमें तो आपको मानव सेवा का प्रॉब्लम दिखाई नहीं देता है, केवल भगवान की सेवा में क्यों दिखाई देता है? तो यस लास्ट यस ध्रुव मंगल प्रभु हरे कृष्ण प्रभु की दंड जिस तरह से उन्होंने बताया कि आप स्टैचू पे जो इतना कर रहे हैं खाना गरीबों को दे सकते हैं, अल्टीमेटली हम मानव सेवा करके मानव सेवा ही कर रहे हैं क्योंकि वो प्रसाद बन के और हम लोग हो जाता है। या वन बिग हरि बोल फॉर ध्रुव मंगल प्रो हरि बोल, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है आप सबको बोलना है। कोई अगर ऐसे बोलता है मानव सेवा ही माधव सेवा है, कि माधव सेवा करने से हम मानव की सबसे अच्छा सेवा कर पा रहे हैं, क्योंकि माधव हमसे कुछ नहीं, माधव ही हमको सब कुछ दिए हैं, भगवान ही हम सब कुछ दिए हैं, पर भगवान को अर्पण करके जब हम मानव को देते हैं वापस, वो कपड़ा हो, गहना हो, खाना हो, जो भी हो, अगर हम माधव को अर्पण करके देते हैं वो शुद्ध हो जाता है और वो दुख क्रिएट नहीं करता है। कोई भी प्रसाद अगर खाएगा और कोई अगर खाना खाएगा, खाना से भी मानव सेवा हो सकता है, प्रसाद खिला के भी मानव सेवा हो सकता है, बट प्रसाद खिला के मानव सेवा करेंगे तो मानव लोगों की शुद्ध होगा, चेतना शुद्ध होगा। एक बार ये आता है साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन के किताब में आता है, लेफ्टिनेंट मोजी या फिर कोई तो क्राइम डिपार्टमेंट का बड़ा आदमी श्रील प्रभुपाद जी के पास आ गया था और श्रील प्रभुपाद जी को स्टैटिस्टिक्स बताने लग गया था, स्वामी जी इतने सारे क्राइम हो रहे हैं, इतने हो रहे हैं, आप क्यों ना हमारे जेल में आके कुछ प्रसाद वितरण कीजिए। उस समय तक हमारा बहुत जगह प्रसाद वितरण हो रहा था, खाना वितरण हो रहा था, और अमेरिकन गवर्नमेंट को बहुत परेशानी हो जाता है बिकॉज इतने लोग जब जेल में चले जाते हैं वो अनप्रोडक्टिव हो जाते हैं ना, उनको खाना खिलाना ही इतना समस्या हो जाता है। तो ये व्यक्ति देखा कि स्वामी जी के पास बहुत पैसा है, बहुत लोग है, इसका फंड्स अगर जेल में लगा देंगे तो कितना अच्छा होगा। तो श्रील प्रभुपाद बताए कि हम केवल जेल में प्रिजनर लोगों को क्यों खिलाएंगे, सब तो प्रिजनर ही है ये भौतिक जगत, और दूसरा चीज आप क्यों पार्थक कर रहे हैं कि गरीबों को खिलाना है। क्या श्रील प्रभुपाद बताए कि धनी लोग क्या गरीब नहीं है? धनी तो गरीबों से भी ज्यादा गरीब है। हम तो देखते हैं कि एक गरीब व्यक्ति अगर 10,000 रुपए कमाता है महीने का, उसका पूरा महीने का सैलरी 10,000 रुपए है, वो जब आएगा वो 10 से 50 रुपए मंदिर में दान करके जाता है, तो कितना रेशियो हुआ बताइए, परसेंटेज? पॉइंट वन परसेंट। और एक बहुत धनी व्यक्ति भी हमने देखा 0.1% भी देता नहीं है, तो कौन गरीब है बताओ? वो करोड़ों कमाता है पर वो भी आके 50 रुपए देता है, ये 20 रुपए दिया, वो 50 रुपए दिया, मैक्सिमम 100 रुपए दिया, पर वो कमाता है करोड़ों में, तो कौन गरीब है बताओ? सो धनी लोग भी गरीब हैं श्रील प्रभुपाद बताए, क्योंकि सब कोई बद्ध जीव है, सब कोई दुख प्राप्त कर रहा है। हम धनी गरीब में पार्थक्य नहीं देते हैं, हम सबको प्रसाद खिलाते हैं, क्योंकि प्रसाद ना केवल गरीब के लिए है ना धनी के लिए है, सब की शुद्ध के लिए है। हर कोई गरीब है, किससे गरीब है? चेतना से गरीब है, ये श्रील प्रभुपाद उसमें बताते हैं, आप सब पढ़ सकते हैं साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन की किताब में आता है कि केवल क्यों हम गरीबों को सेवा करने से मानव सेवा होगा, धनियों को भी सेवा करने से मानव सेवा नहीं होगा। धनी क्या मानव नहीं है, जानवर है क्या? बताइए आप, जैसे हम जब यूनिवर्ल्ड में प्रसाद वितरण करते हैं और प्रोग्राम करते हैं न्यूटाउन में, एक जन हमको बोले थे जब 2017 की बात है कि केवल स्वामी जी आप क्यों इस न्यूटाउन में करते हैं, न्यूटाउन में जरूरत नहीं है,
गांव में कीजिए। मैं बोला गांव में भी हम करते हैं, बंगाल में तो इतना गांव में प्रचार होता है, पर आपको क्यों लगता है कि न्यू टाउन में जरूरत नहीं? मेरे को तो लगता है न्यू टाउन में ज्यादा जरूरत है गांव से। गांव में तो थोड़ा सा लोगों का श्रद्धा है, आके मंदिर में दंडवत करते हैं, ये करते हैं। जन्माष्टमी में हमारा 30,000 लोग आए, 30,000 से तो 29,000 गांव से थे और 1,000 तो न्यू टाउन से आए, और वो 1,000 में से आधा सापुर जी से थे और डीएलएफ से थे और बाकी जगह से तो आ ही नहीं रहे थे क्योंकि दूर पड़ जाता है ना, कैसे जाएंगे है? तो हमको समझ में आना चाहिए कि केवल गरीबों को सेवा करने से मानव सेवा होगा ये नहीं है। गरीब भी मानव है, धनी भी मानव है। हाँ, गरीबों को प्रसाद खिला के मानव सेवा किया जा सकता है, पर धनियों को ज्ञान देके मानव सेवा किया जाता है। और वो इस्कॉन हम दोनों कर रहे हैं, गरीबों को प्रसाद खिला रहे हैं, फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम है, और धनियों को भगवत गीता सत्संग में बुला के पिटाई कर करके उनके ज्ञान भर रहे हैं ताकि वो गरीबों को एक्सप्लॉइट ना करें। क्योंकि गरीबों को गरीब बन के कौन रखता है, कौन बता पाएगा ये बताइए? हु इज एंश्योरिंग दैट गरीब रिमेन्स गरीब? अमीर लोग। तो गरीबों को सही में उद्धार करना है पहले अमीर लोगों को पकड़ना पड़ेगा, उनके हृदय की। दैट्स व्हाट श्रील प्रभुपाद इज टेलिंग इन दैट कन्वर्सेशन, कि जो अमीर लोग है वो चेतना से गरीब है, और क्योंकि वो चेतना से गरीब है वो कुछ लोगों को गरीब रखना ही चाहते हैं ताकि वो अमीर बन पाए। सम पीपल वॉन्ट अदर पीपल टू रिमेन पुअर। तो इसलिए अमीर लोगों को ज्यादा प्रसाद की आवश्यकता है, अमीर लोगों को ज्यादा भगवत गीता की आवश्यकता है ताकि वो गरीबों की शोषण ना करें। तो इसीलिए हम जब भगवत गीता क्लास करवाते हैं, भागवत क्लास करवाते हैं, पूजा करवा के कोई तो ना वीआईपी लोगों को बुला के, इस्कॉन वीआईपी संस्था है, हर समय वीआईपी होंगे। अरे वीआईपी को ज्यादा चाहिए, वीआईपी आके दर्शन करेगा तो वो गरीब को जाके शोषण नहीं करेगा, नहीं तो वीआईपी अगर दर्शन नहीं करेगा तो वो मदिरा पान में और नाइट क्लब में घूमता रहेगा। तो हम जब वीआईपीओं की सेवा कर रहे हैं हमको समझना चाहिए हमारा उद्देश्य भी गरीबों की सेवा करना है। अगर वीआईपी की चेतना बदल जाएगा तो वो गरीब की शोषण नहीं करेगा। तो मानव धनी भी है गरीब भी है, पर धनी मानव को अलग जरूरत है, गरीब मानव को अलग जरूरत है। तो इसीलिए मानव सेवा करना चाहिए माधव को केंद्र बिंदु रख के, पहला चीज। दूसरा चीज, माधव सेवा करने से मानव का सब समय, जैसे ध्रुव मंगल प्रभु बता रहे थे, मानव का सबसे सर्वोत्तम कल्याण होगा। गरीब का कल्याण होगा, खाना मिलेगा उसको, और खाना केवल नहीं मिलेगा, प्रसाद मिलेगा। धनी का कल्याण होगा, उसकी हृदय परिवर्तन होगा और वो गरीबों की शोषण नहीं करेगा। तो इस तरह आपको समझना समझाना चाहिए लोगों को कि मानव धनी भी है गरीब भी है, धनियों को अलग रिक्वायरमेंट है, गरीबों को अलग रिक्वायरमेंट है, और हमारी इस्कॉन श्रील प्रभुपाद की संस्था सबको सेवा कर रहा है माधव को केंद्र बिंदु रख के। समझ में आ रहा है? सो मानव सेवा में प्रॉब्लम नहीं है, करना हमको मानव सेवा है। आप अगर एक श्लोक देखेंगे भागवत में, एक श्लोक आता है, कहाँ श्लोक आता है, ये आता है जब देवता लोग शिव जी के पास पहुंचते हैं, विष पान कर दीजिए, ऐसे अनुरोध करते हैं शिव जी को, आप विष खा लीजिए, हमारा विष मैं हमको परेशान कर रहा है, हम परेशान हो रहे हैं हलाहल से। तो उधर शिव जी बता रहे हैं कि हे प्रिय, क्योंकि देखिए हस्बैंड को अगर विष पीना है तो वाइफ का परमिशन तो चाहिए, है कि नहीं? आप सबको क्या लगता है? तो शिव जी पार्वती देवी से परमिशन मांग रहे हैं, और परमिशन मांगने के लिए उक्ति क्या दे रहे हैं? उक्ति मतलब व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट, व्हाट आर्ग्यूमेंट लॉर्ड शिवा इज गिविंग, कि हे प्रिय पार्वती आप समझिए, इधर एक मानव सेवा करने का, मानवों की जीवात्माओं की कल्याण करने का मेरा एक मौका मिला है, ऐसे शिव जी बोल रहे हैं पार्वती देवी को। और आपको समझ, पार्वती देवी को बोल रहे हैं शिव जी, अगर कोई जीवों की कल्याण करता है
तो विष्णु खुश हो जाते हैं, और जब विष्णु खुश हो जाते हैं तो मैं भी खुश हो जाता हूं। इसीलिए मैं जीवों की कल्याण करना चाहिए और विष पीना चाहिए, तुम मेरे को परमिशन दो, ऐसे शिव जी बताते हैं। तो मानव की जब सेवा करते हैं, जीवात्माओं की कल्याण करते हैं, तो माधव को बहुत प्रसन्न आता है। ये गलत नहीं है, भगवान कृष्ण के संतान ही हम सब हैं। और भगवान कोई अगर आपके संतान को जाके कोई अच्छे से ख्याल रखेगा तो ओके, हरि बोल प्रसन्नजीत प्रभु म्यूट। कोई अगर आपके संतान के जाके ख्याल रखेगा तो आपको तो अच्छा लगेगा। तो उसी तरह मानव की सेवा करने से माधव बहुत प्रसन्न होते हैं। पर सेवा कैसे होना चाहिए वो भी तो इम्पोर्टेंट है। आप सब मानव को जाके दारू पिलाएंगे, तो आपके बेटे को जाके कोई दारू पार्टी में बुलाएगा, आप सबको अच्छा लगेगा? यस कुशल बिहारी प्रभु, हाँ अच्छा लगेगा। आपको आपको बेटे को जाके जुआ खेलने में वो करेगा, उसकाएगा, हाँ और मोबाइल दे देगा, खेलो जुआ, तो अच्छा लगेगा आपको? फ्री में दे देगा मोबाइल, क्यों नहीं अच्छा लगेगा? वो तो मानव सेवा कर रहा है। आपको बेटे को स्मार्टफोन दे दिया, आईफोन दे दिया, परफेक्ट, दैट्स द थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। सो मानव सेवा करना है, पर मानव माधव की संतान है। आप सबको समझाना चाहिए कि माधव की संतान मानव है। सो संतान की सेवा, किसी की संतान की सेवा करेंगे तो माधव तो माता पिता तो प्रसन्न होंगे ही, पर समझना तो चाहिए कैसे सेवा होना चाहिए, नहीं तो गलत सेवा कर लेंगे और माधव भी परेशान और मानव भी परेशान। आजकल की सेवा एनजीओ लोग ऐसे सेवा करते हैं, मानव भी परेशान रहता है, माधव भी परेशान रहता है। अरे सेवा कर रहा है, इतना पैसा उड़ा रहा है, अच्छा है, पैसा दे रहा है, दान कर रहा है, थोड़ा भगवद गीता तो पढ़ के दान कर, तब एटलीस्ट सेवा होगा। सो आजकल की सेवाओं में माधव मानव दोनों परेशान है, तो इसीलिए माधव की सेवा होना चाहिए। माधव की सेवा केंद्र रख के मानव की सेवा करेंगे तो मानव भी खुश होंगे, माधव भी खुश होंगे। माधव तो हमको कुछ नहीं हमसे अपेक्षा रखते हैं, भगवान तो हमको सभी दे देते हैं, खाना देते हैं भगवान वापस ही कर लेते हैं। यह है कर्म ही पूजा है, ये तो ऑलमोस्ट 80-90% ऑफ पीपल ऐसा ही बोलते हैं, कर्म ही पूजा है, क्या भगवद्गीता पढ़ के इतना समय वेस्ट करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, चैंटिंग करना है, 2 घंटा का हर दिन, इस्कॉन बोलता है 2 घंटा 16 माला करने का, मतलब 2 hours ऑफ ह्यूमन एनर्जी एवरी डे ऑफ सो मेनी पीपल आर गोइंग, जिसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लगाया जा सकता है। समझ में आ रहा है? यस, उदाहरण कृष्ण प्रभु, आपका 1 घंटा का प्राइस क्या है मार्केट में अभी, क्या चल रहा है? आप तो पे कट में हैं, बट आपका आपके स्टेटस का अभी क्या चल रहा है मार्केट रेट? अराउंड 8 to 10,000 rupees. 10,000 rupees पर आवर, मतलब 20 घंटा हर दिन आप घटा रहे हैं, और जो 10 घंटा 10,000 rupees आपका है तो मार्केट कितना कमाता होगा आपसे? 4 गुना 5 गुना? पांच गुना, 40% मार्जिन रहता है, मतलब तो 10 times कंपनी ले लेता है, मतलब 1,00,000 rupees नुकसान हो रहा है भारत का या फिर कंपनी का, करेक्ट? और 1,00,000 rupees कंपनी का नुकसान हो रहा है तो वो 30% मिनिमम टैक्स देगा भारत को, 30,000 rupees भारत का नुकसान हो रहा है, और 1,00,000 rupees कंपनी का नुकसान हो रहा है पर घंटा, 2 घंटा मतलब पर दिन भारत का 60,000 rupees नुकसान हो रहा है, केवल क्योंकि उद्धारण कृष्ण ने 16 माला करने चालू कर दिया, कोई श्री निताय पागल उसको पकड़ लिया। अब बताइए कैसे इसको समाधान किया जाए, क्या बताएंगे?
क्योंकि मैं तो कैलकुलेशन से बता रहा हूं, और ऊपर से केवल 2 घंटा चैंटिंग नहीं करवाता हूं मैं तो फिर 6.5 से 8 क्लास करवाता हूं, उसमें भी 2 घंटा चला जाता है। इस तरह देखा जाए तो भारत की कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। इस कारण प्रभु बोलेंगे कुछ, तो करण प्रभु बोल रहे 2 घंटा करके वो दूसरे लोगों को 2 घंटा करने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं, मतलब और भी घाटा कर रहे हैं भारत का। करण वही तो मैं बोल रहा हूँ, 2 घंटा कर वो 2 घंटा कर लेता है, फिर और थोड़ा समय निकाल के और लोगों को 2 घंटा करने में बोलता है, तुम भी 2 घंटा कर। बाप रे, भारत सरकार तो यस सुब कृष्ण प्रभु बोलेंगे। एक्चुअली इट डिपेंड्स होम वी आर फॉलोइंग। एक है शास्त्रिकल स्क्रिप्चर, उसको हम फॉलो करके रिजल्ट देख सकते हैं कि कैसे लाइफ युक्त आहार विहार से कैसे हम अपने लाइफ को जी सकते हैं। और दूसरा है कि जो इंसान के द्वारा डिफेक्टिव नॉलेज दिया गया और हम प्रूफ भी देख सकते हैं कि ना, आप कैसे बोल सकते हैं वो डिफेक्टिव नॉलेज है। शिव कृष्ण बोल रहे हैं डिफेक्टिव नॉलेज है। अरे हम सैटेलाइट भेज दे रहे हैं, सैटेलाइट पहुंच के कितना कुछ कर दे रहा है, और वो डिफेक्टिव नॉलेज है। जूम यूज कर रहे हैं, कितने सारे लोग कहीं कहीं प्रांत में बैठे हुए हैं, सब क्लास कर रहे हैं, इतना अच्छे से क्लास सुन रहे हैं, सब डिफेक्टिव नॉलेज है। कैसे बात कर रहे हैं आप? नहीं, आप नहीं, वो घुमाने घुमाइए फिराइए मत, हम बता रहे हैं 2 घंटा वो हरिनाम करता है, और एक व्यक्ति का 2 घंटा का आईआईटी आईएम का बंदा है, 2 घंटा वो लॉस हो रहा है भारत सरकार की, 30,000 रुपए पर दिन, मतलब 30,000 × तो कैसे उसका भरपाई होगा, बताइए, ये बताइए, आप कैलकुलेशन करके बताइए। और दूसरा चीज तो मैं बताऊंगा, ये सब आईआईटी आईएम कितने सारे दारू पीते हैं, वो सब करते हैं, ये भी सब छोड़ दिया तो उससे भी भारत सरकार को कितना लाइसेंस मिलता है, वो भी लॉस हो रहा है। वो 4 घंटा और जब कर लेगा, उदाहरण कृष्ण को आप ही बताइए। वो जो हम लोग का बिलिंग आवर्स तो 9 आवर्स है ना ऑफिशियल कॉर्पोरेट सेक्टर में, बाकी अब मैंने रेस्ट ऑफ द आवर्स तो वी कैन स्पेंड फॉर मानव सेवा और चैंटिंग, सो वेयर इज द लॉस? नो लॉस। ओके, आप प्रभु जी बता रहे हैं हम 9 घंटा काम करने के बाद कुछ भी करें तो उससे आपका क्या फर्क पड़ता है? ओके नहीं, पर फर्क तो हमको कुछ नहीं पड़ता है, बट आप तो घर का समय नहीं दे रहे हैं, घर का कर्म नहीं है क्या, पत्नी को समय देना, बच्चों को समय देना? और कोई विदेश में तो लोग बहुत खट रहा है, घंटों खट रहा है, वो लोग भाग के इंडिया में क्यों आ रहे हैं शांति के लिए, ऋषिकेश में बैठ रहा है? मतलब कहां से आवाज आ रहा है? ओके, आप ही से आवाज आ रहा है। ओके, सो व्हाई फॉरेनर्स आर कमिंग? ओके, सो इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी आल्सो दे वांट, बट सब नहीं आ रहे हैं ये बोल रहे हैं। ओके ठीक है, ध्रुव मंगल प्रभु बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक उदाहरण स्वरूप, मोबाइल सारा दिन काम करेगा लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको चार्ज है। वन वेरी गुड हरि बोल फॉर ध्रुव मंगल प्रभु, ग्रेट, अमेजिंग, दिस इज द आंसर यू हैव टू गिव।
कि ये मूर्ख लोग, तुमको काम करना है, अगर कोई ऐसे बोलता है कर्म ही पूजा है तो काम काम कर, खाना क्यों खा रहा है, पानी क्यों पी रहा है, सुसु क्यों कर रहा है, टट्टी क्यों कर रहा है, सब बंद करके काम कर। ये उदाहरण कृष्ण, खाना सुसु टट्टी में तो 2 घंटा जा रहा है तो 30,000 रुपए तो लॉस हो रहा है, तो आप सब कॉर्पोरेट को खाना सुसु टट्टी बंद करो, देखते हैं कितना काम करता है, क्या होगा। कॉर्पोरेट वालों ने बेड का सिस्टम भी लगा लिया है ऑफिस में। ओके, बेड भी लगा दिया और टट्टी वॉशरूम बंद कर दिया क्या, चाबी लगा दिया, वही पे रहो, बट करना तो पड़ रहा है, बेड सोना है तो है। कॉर्पोरेट अलाउ करता है आपको सुसु जाने में, या बोलता है कि सुसु में 8 घंटा में आप सुसु नहीं जा पाएंगे, उनका बस चले तो वो भी अलाउ नहीं करे। ओके, उनका बस चले अलाउ नहीं करे। ओके, तो सुसु करने के लिए अलाउ कर रहे हैं, टट्टी करने के लिए कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, बिकॉज ये महत्वपूर्ण है, ये हमारी शरीर को सही रखता है। तो उसी तरह हमारा मन भी है जो सॉफ्टवेयर है, जिसको भी ख्याल रखने के लिए हमको समय देना पड़ेगा। जैसे प्रभु जी बता रहे हैं कि मोबाइल को चार्ज करने के लिए आप अगर बोलेंगे अरे मोबाइल को चार्ज करने के लिए मेरा समय चला जा रहा है, अरे चार्ज नहीं करेंगे तो फिर काम कैसे करेगा। तो उसी तरह हम अगर वी डोंट चार्ज आवर सेल्फ इन विथ डिवाइन नॉलेज, with divine emotions and Krishna consciousness, will not be able to function only. Basic functionality बंद हो जाएगा, right? And finally क्या करेंगे हम, बहुत सारे कितने हमारे भक्त लोग क्राइम करते हैं बताइए, है? कितने भक्त लोग मर्डर करते हैं, कितने भक्त लोग गलत काम करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो मतलब हम देश का इतना कल्याण करते हैं, इतना कोर्ट केस, कचरी केस, ये केस सब बंद हो जा रहा है। तो प्रिजन अगर सारा भक्त बन जाए तो जेल बंद हो जाएगा, अच्छा है ना, भारत सरकार की कितना पैसा बचेगा जेल बंद हो जाएगा तो बताओ, कितना बचेगा, कितना पैसा हम जेल में खर्च कर रहे हैं, कितना परेशानी हो रहा है। अभी जैसे कलकत्ता केस हुआ, कितना एनर्जी जा रहा है उसमें, हाँ सोचिए, इतना एनर्जी, हर व्यक्ति का एनर्जी जा रहा है, सब सब लोग परेशान है, डॉक्टर परेशान है, जज परेशान है, मंत्री परेशान है, सब परेशान है, कोई तो गलती किया, जरूर कोई तो किया है, एक व्यक्ति 10 व्यक्ति कोई तो गलती किया है, पर ये सब लोग अगर भक्त बन जाएं तो कितना हम, वी कैन बी मोर प्रोडक्टिव। और इतने सारे लोग उसी न्यूज को पढ़ते पढ़ते हाल ही में एक डॉक्टर हमारे पास आए तो बोले कि जब ये कलकत्ता का केस हुआ मैं तो डर के मारे मैं सब काम बंद कर दिया। मैं बोला बाप रे, इतना न्यूज पढ़ पढ़ के मेरे को हॉस्पिटल जाने में ही डर लग रहा था रात में, क्योंकि मेरा 24 आवर्स ड्यूटी रहता है। अब सोचो तो हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है, अगर सब भक्त बन जाएंगे इस तरह का कार्य नहीं होगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। ये उदाहरण कृष्ण प्रभु का कुछ लास्ट पॉइंट है, उसके बाद नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी, वन मोर थिंग, कि वर्ल्ड में वी नीड गुड लीडर्स आल्सो, बिकॉज़ वर्ल्ड की हालत खराब है, तो स्पिरिचुअलिटी विल हेल्प अस टू बिकम अ गुड लीडर एंड कंट्रीब्यूट इन अ मच बेटर वे टू दिस वर्ल्ड। ओके, सो स्पिरिचुअलिटी आल्सो हेल्प्स इन लीडरशिप, बट द मोस्ट वाइटल पॉइंट इज चार्जिंग, which Dhruv Mangal Prabhu said, which all of you should remember and tell to people. Karma hi puja hai, theek hai, karma kijiye. But karma karne ke liye sakti bhi chahiye. Jis tarah, teen prakar ki sakti hota hai. Ek hai physical, ek hai mental, teesra hai spiritual. So you require physical sakti, isliye aapko kuch samay dena padega, khana, peena, tatti, washroom, sab karne ke liye. Similarly, mental sakti, koi manasik sakti ke liye aapko mantra, uchcharan, dhyan karna padega. और तीसरा है आध्यात्मिक शक्ति। तो ये तीन शक्ति के लिए जब हम समय देते हैं, ये शक्ति से ही तो हम काम करेंगे। तो इसीलिए आध्यात्मिकता हमको शक्ति देता है कार्य करने के लिए। यस, रिसेंटली एक एना सेरेस्टी नाम की लड़की थी जो 5 महीने काम करके वो सुसाइड की, तो भारत सरकार के तरफ से, मतलब फाइनेंशियल मिनिस्टर, उन्होंने बोला कि
तो लोग ये प्रभु जी बोल रहे हैं कोई लोग सुसाइड कर रहे हैं, हार्ट अटैक से मर रहे हैं, ऐसे मर रहे हैं, काम करते करते हार्ट अटैक हो जा रहा है, मर जा रहे हैं, क्योंकि इतना प्रेशर आ रहा है और लोगों को पता नहीं कि वो प्रेशर को ऐसे हैंडल करें। तो वो प्रेशर को हैंडल करना हम सिखा रहे हैं, क्लास में आता नहीं, आप क्या बोलें, उसको हार्ट अटैक हो जा रहा है, अरे क्लास अटेंड कर लो, हार्ट अटैक तो नहीं होगा। इतना कोई मतलब काम करते करते कोई हार्ट अटैक में आ जाए, मतलब समझ में, पहले जमाने में कोई गुजर गया, मेरा पापा गुजर गए, मेरी मम्मी गुजर गई, पत्नी गुजर गई, उस समय हार्ट अटैक थोड़ा आता था, अभी काम करते करते कोई हार्ट अटैक, मतलब ये तो कुत्ता बिल्ली का जमाना हो गया। काम करते करते किसी को हार्ट अटैक हो गया, नहीं आप स्ट्रेस ले रहे हैं, नहीं वो दे रहे हैं, ऐसी वो तो देगा ही देगा, देखो स्ट्रेस तो वो देगा ही, आपको सीखना पड़ेगा उस स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है, तो इसीलिए हम सीखा बता रहे हैं कि कैसे हैंडल करना है। हमारा तो कोई भक्त लोग सुसाइड नहीं कर रहे हैं, उनको क्या स्ट्रेस नहीं है, उदाहरण कृष्ण तुमको स्ट्रेस नहीं है, देखो देव माले प्रो को स्ट्रेस है कि नहीं पूछेंगे, देव माले प्रो आप बताइए आपके पास स्ट्रेस है कि नहीं, आपका कंपनी क्या बोल रहा है स्ट्रेस दे रहा है कि नहीं, तो फिर आप कैसे हैंडल कर रहे हैं आपके स्ट्रेस को, वृंदावन जाके चैंटिंग करके, यही तो हरी वो। तो मतलब जो जो कॉर्पोरेट लोगों को स्ट्रेस हो रहा है, कॉर्पोरेट डिवोटी, तो दे शुड कम फॉर सत्संग प्रोग्राम एंड उनका चैंटिंग सही से नहीं हो रहा है, ये देव माले प्रभु बोल रहे हैं, यही बोल रहे हैं आप। वो बोलने का कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपको भक्त होने के बाद भी स्ट्रेस हो रहा है तो फाइंड आउट, hear the japa talk and chant nicely, तो आपका chanting को देखिए, तो chanting सही है। हाँ कोई बोला slow process है, yes slow process कोई बोल रहा है। Actually I was about to tell you one thing, like recently a news came, a 26 year old girl, she died। वही बोल रहे हैं, उसी news का बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। And in Japan also there are lot of cases, so like इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप सब उनको भगवदगीता क्लास में लेके आइए, मैं भी देखता हूँ कौन माइकेलाल कैसे मरता है, मैं तो गारंटी देता हूँ वो मरेगा ही नहीं स्ट्रेस से, आप लेके जाए, मैं नहीं तो मनी रिफंड पॉलिसी में चालू करता हूँ, 10,000 rupees पर सेमिनार ऑफ भगवदगीता एंड मनी रिफंड, ओके, अगर आप मरे नहीं, एंड वो मरेगा नहीं, पैसा रहेगा इस्कॉन में, हमारा किचन बन जाएगा। मैं तो गारंटी देता हूं, पर फिर भी लोग आएंगे नहीं, फिर भी लोग आएंगे नहीं, दैट मीन्स द प्रॉब्लम इज नॉट स्ट्रेस, प्रॉब्लम इज दे वांट टू बी इन स्ट्रेस, समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम इज नॉट स्ट्रेस, प्रॉब्लम इज दे वांट टू बी इन स्ट्रेस, why because they love to be in stress, they want to impress others, just see how great I am, I am taking so much of stress, are that is not greatness, that is foolishness, jaise gadha ghoda ke samne aake bol raha hai tum to ghoda hai, beech mein nikalta hai, main to har din nikalta hu 8 ghanta kaam karta hu, are kya matlab logic hai, ha गधा को सोचना चाहिए कि कितना अच्छा घोड़ा का जीवन है, जब राजा निकलेगा, कभी कभी राजा निकलता है, उसके राजा उसके ऊपर बैठ के जाता है, ऐसा नहीं सोचता है मैं कितना बड़ा हूं, मैं 8 घंटा खटता हूं, अरे 8 घंटा तो गधा भी खटता है, पर खटने का भी तरीका है ना, तो ये हमको समझना चाहिए, आजकल की दुनिया में प्रॉब्लम है कि हार्ड वर्क इज गिवन सो मच ऑफ इंपॉर्टेंस, बट ह्यूमंस आर सपोज टू डू स्मार्ट वर्क, ऐसे नहीं कि पहले जमाने में लोग काम नहीं करते थे,
पहले जमाने में खाना खा नहीं खाते थे, पहले जमाने में शॉपिंग नहीं करते थे, अलंकार नहीं पहनते थे, सब कुछ करते थे। डोंट थिंक दैट ये हम कुछ तो ऐसे हम कर रहे हैं आजकल 21st century में जो कभी हुआ ही नहीं। नेवर थिंक लाइक दिस। ओके, अमेजॉन नहीं होता होगा माताजियों को शॉपिंग करने के लिए, पर माताजी लोग शॉपिंग करते थे। सो शॉपिंग होता था, सब कुछ होता था, खाना लोग खाते थे, अच्छा खाना खाते थे, लोग पहनते थे, अच्छा पहनते थे, सिल्क कपड़ा पहनते थे, तो सब कुछ लोग करते थे। आप भागवत में पढ़िए, आता है जब राजसूय यज्ञ से पहले द्रौपदी और युधिष्ठिर महाराज स्नान करते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, लगे बाप रे ये तो कितना एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, तो लोग सब कुछ भौतिक चीजें भी एंजॉय करते थे, पर काम कितना करते थे, 4 घंटा दिन में, और उस समय भी चल रहा था। फिर लोग बोलेंगे पॉपुलेशन बढ़ जा रहा है, 64 करोड़ तो महाभारत में मर गए लोग, तो पॉपुलेशन कहां बढ़ गया, पॉपुलेशन तो घट रहा है, पॉपुलेशन बढ़ नहीं रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है इसीलिए कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। नहीं, हमने पॉपुलेशन को गलत तरीके से उसको इम्बैलेंस कर दिया है। शहरों में सबको बुला के आके एक जगह ठूस ठूस के लोगों को रहेंगे तो पॉपुलेशन इम्बैलेंस तो हो गए। एंटायर इंडिया आप देखा जाएगा तो आप जो फ्लाइट में उड़ रहे हैं, आपने कभी रात में फ्लाइट में उड़ा है, हा? पूरा अंधेरा रहता है चारों ओर, एक एक जगह पे ऐसे स्टार स्टार दिखाई देता है, ऐसे ऐसे लाइट फैला हुआ, हा? हंट लगे बाप रे यही जगह सबसे विकसित जगह है क्या, बाकी सब जगह इफ इज स्प्रेड आउट, राइट? सो इट इज मिसमैनेजमेंट ऑफ गॉड्स रिसोर्सेस। तो पॉपुलेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, ओवर पॉपुलेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज व्हाट द पॉपुलेशन इज डूइंग, हाउ इट इज वर्किंग। आर्टिफिशियली वी आर कॉलिंग एवरीवन टू द सिटी, and then everyone comes to city, run, and then artificially we increase the value of the city। आप बताइए कलकत्ता में जब जहाँ पे हम इधर बैठे हुए हैं, ये जमीन भी अर्थ से बना है और 100 किलोमीटर दूर जमीन भी अर्थ से बना है, दोनों पृथ्वी का ही मैटर है। इधर 1 square feet 10,000 रुपए है, उधर 1 square feet 1,000 रुपए, उसमें क्या अंतर है, कौन बताएगा लॉजिक क्या है इसका? सप्लाई एंड डिमांड। हाँ, तो दिस इज मीनिंग ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। मेरे पास 10 ठो नारियल है, मैं उसको होल्ड करके रखूंगा और डिमांड बढ़ेगा नारियल का, डिमांड बढ़ेगा, मैं 1 नारियल को 100 रुपए में बेचूंगा। दिस इज मॉडर्न इकोनॉमिक्स, एंड फॉर सस्टेनिंग दिस इकोनॉमिक्स वर्क हार्ड 8 hours 10 hours। नारियल भगवान दे रहे हैं, अभी भी प्रोडक्शन हो रहा है, बहुत प्रोडक्शन हो रहा है, खाने का पीने का सब कुछ का सरप्लस इज देयर, नेचर इज गिविंग सरप्लस, वी आर क्रिएटिंग सप्लाई एंड डिमांड, नेचर हैज नॉट क्रिएटेड सप्लाई एंड डिमांड, एंड दैट्स व्हाई वी आर क्रिएटिंग मिजरी, मिजरेबल सिचुएशन फॉर आवरसेल्फ, एंड एवरीवन इज वर्किंग सो हार्ड, व्हाई वी आर नॉट सपोज टू वर्क सो हार्ड, नेचर इज गिविंग अस एवरीथिंग। सोचिए 300% इज द प्रोडक्टिविटी ऑफ नेचर, एंड उसमें हमको खटना पड़ रहा है पागलों की तरह, मैं जिंदा कैसे रहूं? अगर हाथी को खिला पा रहा है प्रकृति तो मनुष्य को तो खिला ही सकता है, और हाथियों की आबादी तो हम घटा दी है, एक हाथी का आबादी के अनुसार तो 100-100 आदमी खा सकते हैं। तो प्रकृति के पास बहुत सामग्री है, हम सप्लाई एंड डिमांड
गलत इकोनॉमिक्स अप्लाई कर रहे हैं और फिर खट रहे हैं पागलों की तरह। ओके, तो इस तरह लोगों की आपको समझाना पड़ेगा, राइट? नहीं तो लोग सोचेंगे कर्म ही पूजा है, जैसे गधा सोचता है कर्म ही पूजा है और घोड़ा को क्रिटिसाइज करता है। तो हम सब क्या है, कृष्ण राजा है, ठाकुर जी है, हम राजा के घोड़ा है। हम हर दिन खटता नहीं, जब राजा निकलेगा तब हम निकलेंगे। और समझना चाहिए हमको, जैसे श्रील प्रभुपाद जी के पास बहुत लोग आते हैं, निंदा करते थे कि अरे तुम लोग खाते नहीं हो, खटते नहीं हो, कैसे खाते हो? श्रील प्रभुपाद बोले भगवान देखते हैं हम खाते हैं, तेरा क्या प्रॉब्लम है? मेरा पिताजी मेरे को खिलाए, तुमको क्या प्रॉब्लम है? तुम क्यों द्वेष कर रहा है? और तुमको भी आना है तो आ जाओ, इस्कॉन ज्वाइन कर लो, हम तुमको भी खिलाएंगे। बट वो आएगा नहीं, उस गधा तो गधा ही रहेगा, घोड़ा कैसे बनेगा? तो हम ठाकुर जी के घोड़े हैं। और जो राजा जो होता है अपना घोड़ा को अच्छा ख्याल रखता है। आपको पता नहीं होगा पहले जमाने में राजा लोग घोड़ा को बहुत प्रेम करते थे। जैसे कृष्ण अर्जुन को घोड़ा को खुद संवारते थे, महाभारत में कथा आती है। क्यों? क्योंकि जब सेनापति देखता है मेरा घोड़ा को इतना प्रेम कर रहे हैं, आजकल गाड़ी हो गया वैसे, घोड़ा मर्सिडीज हो गया, तो बहुत बहुत प्रेम करते थे। तो हम सब ठाकुर जी के घोड़े हैं, हमको चिंता नहीं करना चाहिए, हमको खटना नहीं चाहिए, ठाकुर जी का नाम लेते ही हमारा सब कुछ हो जाएगा। तो मूर्ख लोग जो होते हैं वो कर्म ही पूजा बोलते हैं, उनको लगता है कर्म करके सब कुछ हो जाता है, पर कर्म करके सब कुछ नहीं होता है, ठाकुर जी की ईश्वर की कृपा से ही सब कुछ होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कर्म ना करें, हम कर्म करें, पर हमको समझना चाहिए ठाकुर जी ही देते हैं सब कुछ। तो गॉड इज लाइट एंड गोल ऑफ लाइफ इज टू मर्ज इन टू गॉड। ये एक व्यक्ति लोग, हाँ बोलो, हाँ बोलो, करेक्ट करेक्ट। अगर कर्म करते रहेंगे तो बंधन में फंसते रहेंगे, और बंधन में फंस रहे हैं लोग, बंधन में फंस रहे हैं लोग। तो गॉड इज लाइट, गोल ऑफ लाइफ इज टू मर्ज इन टू गॉड। इस तरह का लोग बोलते हैं भगवान आलोक हैं, भगवान शक्ति हैं। क्यों बोलते हैं ऐसे बताइए। हाँ, क्यों बोलते हैं, प्रश्न में पूछ रहा हूँ, क्यों क्यों ऐसे बोलते हैं, क्या फायदा होगा? हाँ, सेवा नहीं करना पड़ेगा। वन हरि बोल फॉर सेल्जा माता जी, सेवा नहीं करना पड़ेगा। लाइट का क्या सेवा करना है, कुछ नहीं। करण लाइट का क्या सेवा कर रहा है, कुछ नहीं। पर जैसे ही आप ऑन करना है तो, पर जैसे ही भगवान को आप एक व्यक्तित्व मानेंगे, वो खाना मानेगा, पीने मानेगा, ये करेगा, प्रेम करो, ये करो, वो करो, एक्सपेक्टेशन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। करेक्ट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाई पीपल हैव मेड गॉड एज लाइट। यस, सो यस, एनीवन एल्स, व्हाई भगवान को आलोक मना देते हैं? यस, ठीक है, मुक्ति चाहते हैं अलग बात है, पर भगवान को आलोक क्यों बना दिया? हाँ, रिश्ता से लोग परेशान है, ये तो हमने डिस्कस किया, और क्या? हाँ हाँ बोलो, रूल्स फॉलो नहीं करना पड़ेगा। ओके, रूल्स फॉलो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, बट भगवान को क्यों आलोक बना दिया? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, नंदन प्रणाम। हाँ बोलो। एक एक करके उदाहरण कृष्ण प्रभु, फिर कुशल बिहारी प्रभु, फिर सुनीता माता जी। यस, एक एक करके भगवान को
भगवान को लाइट बोलते हैं और बोलते हैं एवरीवन एवरीथिंग इज गॉड एंड देन दे ट्राई टू से कि आई एम आल्सो गॉड. तो वो इनडायरेक्टली अपने आप को भगवान सिद्ध मानना चाहते हैं. भगवान लाइट हो गए तो सबको लाइट में मर्ज हो जाएंगे, सब भगवान हो जाएंगे. फाइन फाइन फाइन. एक बहुत महत्वपूर्ण चीज रुक रहा है. सुनीता मातु जी, हाँ ज्ञान उनका अधूरा है इसलिए भगवान को आलोक मान रहे. ये भी सही है. यस, पर क्यों भगवान को आलोक मान रहे? यस, कौन बहुत बार होता है लोगों को लगता है कि क्योंकि हमारा जो बॉडी है ना, ये जो फॉर्म है, इसके वजह से हमको सब कुछ पेन मिलता है. तो भगवान का भी बॉडी है, मतलब वो भी नेगेटिव है. वन बिग हरि बोल फॉर सिद्धि रूपा माता जी. हरि बोल. दिस इज द बुल्स आंसर. दीज आर द टू आंसर्स. वन इज व्हाट सरजा माता जी सेड कि भगवान को आलोक बना दिया मतलब सेवा नहीं करना पड़ेगा एंड सम एक्सटेंशंस आल्सो. रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करना पड़ेगा, वो सब जो बोले सेवा नहीं करना पड़ेगा, रूल्स रेगुलेशन नहीं, कुछ नहीं. जैसे ही व्यक्तित्व तो मान लिया सब आ जाता है, एक्सपेक्टेशन, रूल्स रेगुलेशन, रिलेशनशिप्स. ये पहला चीज. दूसरा चीज है मेरा शरीर, बाप रे, टट्टी करो, प्रेशर आता है, ये आता है, क्या क्या हो जाता है, समझ में नहीं आता है. तो भगवान का अगर शरीर हुआ तो भगवान भी परेशान होंगे. भगवान कैसे परेशान हो सकते हैं? तो इसीलिए वो बोलते हैं भगवान का कुछ शरीर नहीं. पर वो क्या नहीं समझते हैं कि भगवान की शरीर दिव्य है, हमारे जैसे नहीं है. इसीलिए कि भगवान क्या बोलते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम. चतुर्थ अध्याय के नवम श्लोक में भगवान बोलते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः. ये बहुत महत्वपूर्ण है. यस, और कुछ ध्रुव मंगल को हाथ लगा. हाँ करेक्ट. सो करेक्ट. फॉर्म इज लिमिटेड, फॉर्म इज हैविंग पेन, पेन प्रोड्यूसिंग, ऑल दोस थिंग्स अबाउट फॉर्म इज देयर एंड दैट्स इट. दैट ओनली. यस अंधकार में है सब लोग. हाँ, और जो अंधकार में रहता है उसको सबसे प्रथम जो है रोशनी. तो आदमी ये मानता है कि भगवान रोशनी है, मैं उसकी तरफ जा. हाँ, परफेक्ट परफेक्ट. सो दैट इज द, सो शास्त्र बोलता भी है कि भगवान आलोक हैं, पर भगवान की ज्योति आलोक है. ये भगवान आलोक नहीं है, ये भगवान की ज्योति है. जैसे फॉर एग्जाम्पल इतना सारा लाइट लगा दिया है तो मेरे बॉडी से लाइट ऐसे निकल रहा है जैसे सब आलोकित है. इसका मतलब मेन लाइट नहीं हो गया, क्योंकि ये लाइट आ रहा है, मैं रिफ्लेक्ट हो रहा है तो मेरे शरीर से ऐसे लग रहा है लाइट निकल रहा है. पर आप सब लाइट को नहीं देख पा रहे हैं, मेरे शरीर को देख रहे हैं. तो मेरा शरीर से लाइट निकलता नहीं है, दूसरा लाइट चाहिए मेरे शरीर को लाइट देने के लिए. पर भगवान का शरीर ऐसे नहीं है, भगवान का शरीर दिव्य है, उनको लाइट की आवश्यकता नहीं है. कौन सा श्लोक भगवत गीता में ये बोलता है? न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक. फिर यद गत्वा नानिवर्तन्ते तद धाम परम मम. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. सो न तद भासयते सूर्यो. भगवान का धाम में सूर्य की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एवरी वन इज सेल्फ एफर्जेंट. दैट्स व्हाट द बॉडी इज. हियर लाइट बंद कर दिया, दिखाई नहीं देता है. अगर मैं लाइट बंद कर दूंगा श्रीनिता दस दिखाई नहीं देगा. पर भगवान ऐसा नहीं है. लाइट बंद करने से भगवान दिखाई नहीं देंगे, लाइट बंद करने से भी भगवान दिखाई देंगे, क्योंकि भगवान से ज्योति निकलता है. पर वो ज्योति को अगर भगवान मान देंगे वो गलत है. वो वेदर बताए. परफेक्ट. ओके, तो कैसे हम बता सकते हैं कि भगवान की भी एक स्वरूप है? क्योंकि बहुत सारे लोग भगवान की स्वरूप को मानते नहीं है. क्या बोल सकते हैं? ये श्यामा प्रिया माता जी. वन थिंग इज दैट वी ऑल गॉड इज लाइक आवर फादर, सो इफ वी आर हैविंग दिस फॉर्म लाइक दिस, सो गॉड विल आल्सो हैव हैंड्स लाइक देम. सो परफेक्ट. वन इज दैट गॉड इज फादर, गॉड इज द सोर्स. If we have a form so nice, then God also should have a form. Yes. Second, what else? Monalisa Mataji. Hello.
हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हमारे आचार्य ब्रह्मा जी है, ईश्वर परमा कृष्ण उन्होंने बोल के गए हैं कि भगवान कृष्ण का जो फॉर्म है दैट इज So Brahma and Brahma is the engineer. Brahma is the our scriptures are speaking about Krishna having form. Ishvara Param Krishna Sat Chit Ananda Vigraha. So that means God has a form. Yes, yes. If he is telling that hand is there, that means shadow is there. So that means shadow se hum hand pata laga sakte. Similarly, that light is there, so the source of light is there. Someone else also said the same thing. The source has to be there. Yes, Pavan Krishna too. Krishna says Brahmano hi pratishtaham, I am the source of Brahma Jyoti. Yes, Santanu Prabhu. Krishna Puri, agar hum bolte hain ki hamare paas form hai, Bhagwan ke paas nahi hai, so how is it possible that the God does not have something which we have? So God not having form is illogical. Why? Did you understand what Santanu is telling? Logic? कि हमारे पास कुछ है जो भगवान के पास नहीं है, तो हम किस रेस्पेक्ट में भगवान तो बन गए, तो दैट इज नॉट पॉसिबल. करेक्ट. यस पूनम माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. प्रभु जी, इफ गॉड इज नॉट इन हिज पर्सनल फॉर्म, हम प्रेम का आदान प्रदान कैसे करें? हाउ डू यू सर्व, हाउ डू यू लव गॉड इफ ही डजंट हैव अ फॉर्म? करेक्ट. वी कैन नॉट लव लाइट. परफेक्ट. सो दीज आर द गुड पॉइंट्स वी हैड गॉट कनेक्ट. So if you continuously think positive, all positive things will start manifesting. इसको बोलते हैं the art of manifestation. ऐसे आजकल चल रहा है manifestation का जमाना है. आजकल सब लोग manifest करना चाहते हैं. ऐसे सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो, आम खाने का मन कर रहा है, आम खाने का मन कर रहा है, आम खाने का मन कर रहा है. तो कार्तिक में भी आपको आम मिल जाएगा, मैंगो मिल जाएगा. ऐसे manifestation ऐसे बोलते हैं. आपको क्या कहना है, क्यों ऐसे बोलते हैं और कैसे इनको ठीक किया जाए? मैनिफेस्टेशन लोगों को जो लोग मैनिफेस्टेशन करते हैं, जैसे सोचते हैं आप खाना है, आप खाना है, पर अगर कर्म ही नहीं करेंगे तो आप खाएंगे कुछ? और तो वो तो सोच रहे, पॉजिटिव सोचने से ही आ जाएगा सब कुछ. कैसे गलत हम तो बोल रहे हैं. तो आप कंपनी में जाओ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं कोड लिख रहा हूँ, मैं कोड लिख रहा हूँ, मैं कोड लिख रहा हूँ, मैं अच्छा कोड लिख रहा हूँ, मैं अच्छा कोड लिख रहा हूँ, करेगा? वही बोल रहा ना प्रभु, अगर सोचेंगे तो वो कभी नहीं होगा, मेरे को कोड लिखना पड़ेगा तब जाके. हाँ, सो जब आध्यात्मिकता का बात आता है, मैं आध्यात्मिकता सीख रहा हूँ, मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं सब कुछ सही होगा, तो हो जाएगा. कुछ करना नहीं पड़ेगा, चैंटिंग करना नहीं पड़ेगा, क्लास ज्वाइन करना नहीं पड़ेगा, किसी से गाइडेंस लेना नहीं पड़ेगा, वो जरूरत नहीं है. व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअलिटी, ऑटो मैनिफेस्टेशन होगा, कुछ करना नहीं है. बट व्हेन आई हैव टू राइट कोड, सो यू अप्लाई दैट ऑल्सो, मैनिफेस्ट होगा. अपने से शादी हो जाएगा, अपने से बच्चा हो जाएगा, अपने से कोड लिख लिया जाएगा, अपने से पैसा आ जाएगा. ऐसे कभी हुआ है आप सबके? कभी ऐसा हुआ है अपने आपके बैंक अकाउंट में अपने से पैसा आ गया? यस वीर नरसिंह प्रभु, हैं आपने ऐसे ऐसे किया कि पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, हैं आया कभी प्रभु पैसा? प्रभु जी इज वेटिंग, ऐसा कुछ हो जाए तो प्रभु जी कलकत्ता आ जाएंगे. यात्रा फ्री में करवा देगा. पैसा नहीं मांगेगा यात्रा के लिए. तो करेक्ट, ऐसा हो जाता है. तो फिर लोग क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि
मधुर कोली प्रो कुछ बोल रहे हैं, रुको मधुर कोली प्रो कुछ बोल रहे हैं, इम्पोर्टेंट चीज। ओके, पहला चीज तो लेजीनेस है, ये तो है ही। दूसरा चीज क्या है? ओके, एस्केपिज्म, एस्केपिज्म, ओके, फिर भक्ति का पर्पस, ओके, एस्केपिंग लिख लिया, और क्या? और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, व्हाई लोग बोलते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, हैप्पी थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, गुड थॉट्स, ऐसे क्यों ऐसे लोग बोलते रहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना चाहिए लोग क्यों बोलते हैं बार बार। क्यों? अरे बाप रे, व्हाई डू यू ब्लेम दैट पर्सन? पर्सन जेनरिक फिलोसफी, ही मे यूज दैट फिलोसफी। हाँ, ऑस्ट्रिच मेंटालिटी लिख लिया, एस्केपिज्म। Okay, Shahrukh Khan also has to work hard to deliver that message. That is right. So, we are talking about philosophy. We are not talking about any person. Anyone can use. Sri Nitai Das can use also the philosophy. That positive philosophy. Sab sochte raho, achha ho jayega. Yes. Hari Krishna Prabhu. Prabhu, they think that if we think positive things, then positive things will happen in their life. Or... the reality will become positive, even if it is something negative. Why? Why they think like this? Hare Krishna Prabhu. हाँ. ये कार्ड होता है कि मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत. हाँ. तो जब आप मन में अच्छी बातें सोचते हैं, तो आप पहला कदम उठा देते हैं अच्छा काम करने के लिए. तो फिर उससे क्या होता है कि हमारे जो मन का जब ट्रेनिंग हो जाती है अच्छी बातें सोचने से, तो उससे कल्याण होता है। या सो माता जी इज क्वाइट क्लोज, क्वाइट क्लोज, यस यस। अच्छा रुक जाओ, सुनीता माता जी, ध्रुव मंगल प्रभु, देन सी ध्रुपा माता जी। ओके, नॉट रियलिस्टिक, ओके, ठीक है ध्रुव मंगल प्रभु। प्रभु जी, जो लोग भौतिकता में हैं, उनको ये लगता है कि जो भक्ति कर रहे हैं वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, बट एक्चुअली अगर हम चैंटिंग और जो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं, वो भी एक काम है, उसकी वजह से पॉजिटिविटी आती है और हमारे काम होते हैं। अब मेरा उदाहरण मैं खुद का दूंगा, जैसे आपने कहा बैंक में बैलेंस आ जाए अपने आप, तो मुझे यही लगता है कि प्रभु ठाकुर जी मेरे बैंक बैलेंस की व्यवस्था रखते हैं और मेरा जीवन चल रहा है, और मेरा काम भौतिकता का काम नहीं करके मैं स्पिरिचुअल उसमें काम कर रहा हूँ, चैंटिंग अगर कर रहा हूँ वो भी एक काम है, और सेवा अगर कर रहा हूँ वो भी एक काम है, बट भौतिकता की उसमें जनरल पब्लिक ये सोचती है ये केवल पॉजिटिव सोच रहे इसलिए हो रहा है, बट पॉजिटिव सोच के भी हम उसमें सेवा का काम कर रहे हैं। या करेक्ट, सो ऐसे नहीं कि भक्त लोग केवल पॉजिटिव सोचते हैं, एक्चुअली वी आर डूइंग पॉजिटिव सर्विस टू गॉड and we are receiving the result of the positive service. It's not that only positive thought hum rakhte hain. That is good, that is good. Yes, Sukriti Mataji. Probably in general people are wearing, log bahut zyada disheartened hote hain. One loud hari bol for Sukriti Mataji. People are depressed. This is the simple answer. Aaj kal ye bahut famous hua hai. People are depressed, disheartened, they are broken hearted, they just want some consolation. Thanda lagta hai, mere jeevan mein bhi achha hoga, sunne mein hi itna achha lagta hai. जैसे बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कि स्वामी जी आप बताइए सब अच्छा होगा ना, आप बताइए अच्छा होगा. मैं बोलता हूं हाँ अच्छा ही होगा, बस स्वामी जी बोल दिया सब अच्छा होगा, स्वामी जी बोल दिया सब अच्छा होगा. अरे क्या पागलपन है.
सो लोग ऐसे ही आते हैं आजकल, पीपल आर सो डिप्रेस्ड एंड पीपल हैव मेड बिजनेस आउट ऑफ पॉजिटिव थॉट्स एंड पॉजिटिव मोटिवेशन, ये वो ऑल दोस थिंग्स, बट एक्चुअली जस्ट बाई हियरिंग सम पॉजिटिव थॉट नथिंग विल हैपन. वॉट विल हैपन? योर माइंड विल बिकम लिटिल पीसफुल. जस्ट लाइक, कैन एनी वन गिव एन एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल? मम्मी लोग होते हैं, उनके बच्चे जब स्कूल में जाते हैं वो पूरा दिन डिप्रेस रहते हैं कि उनका बच्चे का एक्सीडेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा. नहीं 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 एग्जांपल एग्जांपल इज व्हेन यू गो टू द हॉस्पिटल, डॉक्टर गिव्स ए पेन किलर. पेन किलर से लगता है बीमारी चला ही गया, पूरा चला गया. पेन किलर से लगता है क्या बीमारी चला गया? बीमारी बिल्कुल नहीं गया. सो पॉजिटिव थॉट्स एंड मोटिवेशनल स्पीच इज जस्ट लाइक पेन किलर फॉर डिप्रेशन एंड मेंटल डिजीज ऑफ टूडेज वर्ल्ड. बट द कॉज ऑफ द मेंटल डिजीज इज गोइंग अवे फ्रॉम कृष्णा. इट्स नॉट दैट पेन किलर डज नॉट हेल्प. सी, अगर पॉजिटिव थॉट से हेल्प नहीं मिलता जनता को तो वो बिजनेस तो चलता नहीं, बिजनेस तो बढ़ रहा है और चल रहा है, करेक्ट? मतलब लोगों को हेल्प मिलता है, बट इट इज ए पेन किलर बिजनेस, मेंटल पेन किलर है. एंड वी शुड अंडरस्टैंड दैट वी आर सफरिंग मेंटली फिजिकली एवरीथिंग बिकॉज ऑफ ब्रेकिंग गॉड्स लॉज. एंड जस्ट बाय गिविंग ए पेन किलर, तुम दारू पी रहा है, शराब पी रहा है, सब गलत काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और रात में आके सोच रहा है सब अच्छा होगा मेरे साथ, सब अच्छा होगा मेरे साथ, सब अच्छा होगा. जो सब मोटिवेशनल स्पीच बोलते हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, क्या वो सब चार नियम पालन कर रहे हैं? कोई चार नियम पालन नहीं करता है. सब मांस मछली खाते हैं, दारू पीते हैं, सब गलत काम करते हैं. यमदूत छोड़ देगा? बोलो, यमराज छोड़ देगा? पॉजिटिव यमदूत नहीं आएंगे. श्रील प्रभुपाद इस फिलॉसफी को बोलते हैं हर समय एक बंगाली प्रोवर्ब से. वो क्या है, कौन पता है इसको? बंगाली प्रोवर्ब एक है, पता नहीं, बंगालीज, ऑल बंगालीज टेल द बंगाली प्रोवर्ब. गाय गु माखिले जम छाड़वेन ना. गाय, गाय मतलब शरीर में, गु मतलब बिस्टा. इफ यू अप्लाई स्टूल अस चंदन ऑल थ्रू आउट योर बॉडी एंड थिंक यमदूत विल नॉट कम. व्हाई? बिकॉज़ ऑब्नॉक्सियस. यमदूत विल नॉट कम. विल यमदूत नॉट कम? अरे सुनीता दास के पास नहीं जाएंगे. क्यों? हर वक्त स्टूल लगा के रखता है, बदबू मारता है, कैसे जाएंगे? विल यमदूत नॉट कम? सो दिस इज द फिलॉसफी. पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो. गलत सब कर रहा है, चोरी कर रहा है, शराब पी रहा है, एथिकली रॉन्ग, स्पिरिचुअली रॉन्ग, मोरली रॉन्ग, एवरीथिंग रॉन्ग. पॉजिटिविटी होना चाहिए जीवन में, मोटिवेशनल स्पीच सुनना चाहिए, मन को उठाना चाहिए. अरे मन गिरा क्यों है तुम? क्योंकि गलत काम कर रहा है. हमारा तो मन गिरना ही रहा है. आवर माइंड इज नॉट डिस्टर्ब डिप्रेस्ड वाई योर्स because you are doing sinful activities. As soon as we do sinful activities, our mind becomes depressed. Depression is the cause of the resultant factor of we doing sinful activities, breaking the laws of God. Why people are becoming more and more depressed? Because we are breaking the laws of God. And then there is the painkiller. So these positive thoughts and all this business is just like painkiller. It helps. It will help. Painkiller helps, but it will not cure the disease. And when the disease will again come, because agar painkiller dete rahenge, medicine nahi denge, to kya hoga? Disease badhta jayega, badhta jayega, badhta jayega, badhta jayega. And imagine you have cancer. And instead of treating the cancer, you give painkiller. Then the cancer pain is gone. But cancer is spreading. And depression is spreading. And that's why those who commit suicide are those people who hear too much of motivational speech.
At least if you are depressed, you are not hearing motivational speech. So at least give up some solution. But if you hear motivational speech, तो उसका depression बढ़ता जाता है. And finally, इतना मैंने speech सुन लिया, फिर भी कुछ नहीं हो रहा, तो लटक जाता हूँ. क्या सोचो? अरे कुछ किया क्या? Depression पे ऊपर निपटने के लिए. So in this way, this positive speech is just like a painkiller for the depressing mind. People are depressed. And people are not knowing and finding out why they are depressed. They are somehow trying to get a painkiller solution. Okay, and that's why this manifestation has become very famous now. Because most of the people are depressed nowadays. Yes, last Kushal Vihari Prabhu. Prabhuji, there is one more point. So they also advertise, maybe because of their destiny it is coming, and then they put it to their positive thought. This is also right. It is possible. Yes. Okay, so I think we'll have to end here. Anyone has any one or two questions, we'll take and we will end here. I think 7, 8, 9, 10, all of you do together yourself. So we have discussed almost, or we will see. Next class we'll have test, and we will see if next class after test there is some time, we will discuss this 7, 8, 9 and 10. Four things we will discuss. Okay, it may take maybe 15, 20 minutes. Okay, anyone has? Bolo. फिफ्थ भी नहीं हुआ. ओके ओके, फिफ्थ भी डिस्कस कर लेंगे. ठीक है. हाँ, भौतिक जीवन में तो ये पॉजिटिविटी वो लोग मेंटेन करने के लिए ऐसा बोलते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट स्पिरिचुअलिटी? इसमें भी पॉजिटिविटी चाहिए? या सो ही इज टेलिंग अ वेरी नाइस पॉइंट. ही इज आस्किंग अ नाइस पॉइंट. वी विल डिस्कस दिस एंड वी विल एंड द क्लास. ही इज टेलिंग अ पॉइंट दैट इन स्पिरिचुअल लाइफ आल्सो देयर इज सम रिक्वायरमेंट ऑफ पॉजिटिविटी, सम होप टू गो ऑन इन स्पिरिचुअल लाइफ, बिकॉज वी आर नॉट चैंटिंग हरे कृष्ण नाइसली. And our mind is also troubling. We do not feel like chanting Hare Krishna. We do not feel like coming for class. Some positivity is required. See, there is no problem in positivity if it is accompanied with right activity. See, painkiller is always required. आपको समझना चाहिए, अगर कोई डॉक्टर हॉस्पिटल में जाता है, उसको painkiller is required. But painkiller is not the solution. So that's what we are telling in the sixth point. What we are telling is not that we should constantly think negative. That's not the point of sixth. Tum mar jayega, isliye bhakti karo, mar jayega, isliye bhakti karo, mar jayega, sab gadbad ho jayega, isliye bhakti karo. That is not the reason of our bhakti. We should not think that main agar bahut negative sochunga to bhakti karne mein tibrata aayega. Jaise हर समय जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु. इट्स नॉट आवर क्लासेस आर बेस्ड ऑन जन्म मृत्यु जरा व्याधि. सो वी ऑल्सो रिक्वायर सम एंथुजियाज्म, इंस्पिरेशन. इसलिए हम पुचका पार्टी रखते हैं. और क्या क्या रखते हैं? हरिओम शांतनु, क्या क्या और रखते हैं रे? पुचका पार्टी रखते हैं, आइसक्रीम रखते हैं, कुल्फी रखते हैं, और यात्रा में जाते हैं, यात्रा में भी थोड़ा खिलाते हैं लोगों को, थोड़ा हंसी मजाक होता है, वो सब होता है. बट वी नीड टू अंडरस्टैंड, ड्रामा करते हैं. लास्ट टाइम ड्रामा बहुत अच्छा था, वो दुर्योधन और शकुनी का बहुत जबरदस्त था. इस बार तीन चार ठो ड्रामा आया है. ललिता गुरु कौन कौन ड्रामा कर रहा है? सुकृति माता जी का ग्रुप एक कर रहा है ड्रामा. हरी बोल, बोलो जोर से. अंशु सखा एक कर रहा है ड्रामा. और सब मिला के जनरल होगा, जनरल ड्रामा देखने लायक होगा. कैसे होगा वो? बच्चे लोग, बच्चे लोग बहुत अच्छा ड्रामा करेंगे, चार ड्रामा. तो कहने का मतलब ये है, तो हमारे पास ये सब हम कर रहे हैं. वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हमारा गोल ये नहीं है कि थोड़ा हंसी मजाक, हंसी मजाक तो करना ही है, बट हंसी मजाक होते हुए भक्ति भी होना चाहिए. ध्यानपूर्वक जप होना चाहिए, मंगल आरती होना चाहिए,
और भागवतम क्लास होना चाहिए, उसके साथ हंसी मजाक होना चाहिए। हंसी मजाक से हमको बहुत इंस्पिरेशन तो मिलता ही है। ओके, सो इट्स नॉट दैट वी शुड हैव डिप्रेसिंग थॉट्स एंड नेगेटिव थॉट्स। ओके, सो पेन किलर इज रिक्वायर्ड फॉर कंटिन्यूइंग द ट्रीटमेंट। पेन किलर इज नॉट द ट्रीटमेंट बट इट्स रिक्वायर्ड, राइट? लाइक इट्स नॉट दैट वी शुड ओनली ईट कैरेट इन यात्रा, वन कैरेट, अरे सब फंड्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एंड स्पॉन्सरशिप लोगों को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं स्पॉन्सर करने के लिए, एक गाजर एक परिवार को एक गाजर तीन भाग में विभक्त करके खाएगा, यात्रा कंप्लीट, मैनेजमेंट ओवर। थैंक यू सो मच। प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वैष्णव ठाकुर की जय। हरिओम।